मुल्तानियों का सफर होगा आसान। बस बजट का है इंतजार, शहर से बाहर जाना है या अंदरूनी शहर रश से बचना है, सब होगा आसान। एमडीए ने इंटरसिटी रिंग रोड मंसूबे में बिहारी रोड को भी शामिल कर लिया। अजीज होटल चौक से बिहारी रोड तक रोड को 120 फीट चौड़ा और दो रोया बनाया जाएगा। कबीरवाला के तलबा के लिए खुशखबरी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का मुल्तान से कबीरवाला तक शटल सर्विस चलाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज जाहिद इकबाल खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कबीरवाला टाउन कमेटी बसों को खड़ा करने के लिए जगह भी फराहम करेगी। बिजली के सार्फीन हो जाए होशियार, इस माह भारी बिलों के झटके लगेंगे। नेप्रा ने बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगा करने की मंजूरी दे दी, इत्तलाक रवा माह ही होगा। क्या सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे? मुल्तान के 1200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में फंड ना मिलने से बच्चों की तालीम मुतासर होने का खदशा। सदर हेडमास्टर एसोसिएशन आबिद बुल्दाह कहते हैं कि 6 माह से नॉन सैलरी बजट नहीं मिला, सरबराहान के पास फंड नहीं, स्कूल चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान के वासियों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा, जिले से डॉक्टर यास्मी राशिद ने हेल्थ कार्ड तकसीम किए। हेल्थ कार्ड से 3,16,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। जब हुकूमत अद्वियात फराहम करती है तो मरीजों को क्यों नहीं मिलती? वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का निश्तर अस्पताल का दौरा। डॉक्टर के अद्वियात की अदम फराहमी पर वजीर सेहत से शिकवे, डॉक्टर यास्मीन राशिद एमएस पर बरहम हो गए। पीएमए के वक्त से मुलाकात भी की। मुल्तान के वासी अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहन ले, ट्रैफिक पुलिस मुल्तान फील्ड सरगर्म। हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस का तालीमी इदारों में आगाही सेमिनार का इनेकाद का फैसला। ट्रैफिक कवानीन बारे लेक्चर दिए जाएंगे। जनूबी पंजाब के वासियों का ट्रेन का सफर करना हुआ मुहाल। चार रोज कबल ट्रैक से उतरी मालगाड़ी के बाद ट्रेनों का शेड्यूल अभी तक ट्रैक पर न आया, ट्रेनें ताखीर का शिकार मुसाफिर खार। कौनसा शरीफ में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद की रस्म कुल, मुशीर सैयद अनीफ खान पताफी, एमपीए अहमद अली दरेशी, सरायकी मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी समेत दीगर अहम शख्सियात और इलाका मायदीन ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, चेयरमैन सैनेट सादिक खंजरानी और सेनेटर सरफराज भुट्टी की वज़ीर आला से तासीयत। वज़ीर आला पंजाब की वालिदा की तबीयत खराब, एमएस अस्पताल टीएचसी टोंसा डॉक्टर एहसन इकबाल ने डॉक्टर जफर इकबाल की इलाज के लिए ड्यूटी लगा दी। तहसील अस्पताल में कमरा भी मुख्तर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुहुल अमीन ने वज़ीर आला की वालिदा का घर पर चेकअप किया। तदफीन के बाद लाशें कब्र से बाहर कैसे निकली? शकरानी चौक अहमदपुर शरकिया पर वाके कब्रिस्तान से कफन में लिपटी चार बच्चों की लाशें मिली। इलाका मकीनों के लिए एक मुअम्मा, क्या जानवरों ने लाशें कब्र से निकाली या मामला कुछ और? मुख्तलिफ कहानियां गर्दिश करने लगी। शुजाबाद में थाना सिटी पुलिस का अनोखा कारनामा, पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा मुर्दा शख्स के खिलाफ दर्ज कर लिया। मोहम्मद अफजल 27 दिसंबर 2018 को वफात पा चुका है। अहले खाना का एहतजाज और इंसाफ का मुतालिबा। ईमानदारी हो तो राजनपुर के रेस्क्यू एहलकारों जैसी एहलकारों ने बस हादसे में मिलने वाले 40,000 रुपए एक माँ बाप मालिक को लुटा दिए। फिर करेंगे काम, टीचिंग अस्पताल डीजी खान के शोभा पैथोलॉजी के अमला का दौरानी ड्यूटी रख। लैब असिस्टेंट के रख की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, तीनों लैब असिस्टेंट मुलाजमत से फारे।
चिट्टा चोला गाने की गूंज। मुल्तान में सराइकी गाने पर वीसी जकरिया यूनिवर्सिटी झूम उठे। वीसी डॉक्टर तारिक महमूद अंसारी की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दो रोज पहले जकरिया यूनिवर्सिटी में ओल्ड स्टूडेंट के एजाज में तकरीब रखी गई थी। मेयर मुल्तान उस्मान बुजदार हैं, नहीं शहबाज शरीफ, नहीं नहीं राणा अब्दुल जब्बार हैं। मुल्तान के बासियों की मेयर मुल्तान का नाम पूछने पर हैरत। शहरे आलिया के बासी मेयर के नाम से लाल निकले। मुल्तान कौन है सर? इन तो पता कोई नहीं, कोई पता नहीं मेयर मुल्तान कौन? नहीं सर। मेयर मुल्तान कौन है? पता नहीं भाई। मेयर मुल्तान को जानते हैं? मेयर मुल्तान कौन है? यार मैं नहीं जानता यार, नहीं सर। मुजफ्फरगढ़ में कचहरी चौक से बाईपास तक सड़क डबल करने के लिए 45 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर। फंड्स न होने के बाद सड़क की तामीर का काम रुका हुआ था। तरक्याती कामों के लिए पब्लिक हेल्थ डिवीजन ने डायरेक्टर डेवलपमेंट बहावलपुर से फंड मांग लिए। 2019 चीज के लिए 7 करोड़ के फंड की डिमांड कर दी गई। दूसरी जाने बहावलपुर की तहसील अहमदपुर के बुनियादी मरकज सेहत खैरपुर डाहा को अपग्रेड करने का मामला 1,55,00,000 रुपए मांग लिए गए। पाकिस्तान और पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर जनूबी पंजाब भर में हड़ताल। मुल्तान, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में दीगर शहरों में भी वकला का अदालतों का बॉयकॉट। डिस्ट्रिक्ट बार बहावलपुर के सदर मियां अजहर कहते हैं कि वकला अदालतों या फैसले के खिलाफ नहीं बल्कि अदालती इख्तियारात पुलिस को देने के खिलाफ हैं। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। अब्दुल्ला टाउन से नाके जूस बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, 4 अफराद गिरफ्तार, मालिक फरार। लैया में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 55 मरले सरकारी जमीन बागुजार। जारी इंतकाल करने पर मुलजिम मुनीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बहावलपुर में 5वें स्केल का मुलाजिम 4.5 करोड़ का मालिक निकला। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर ने रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक जरिए इंजीनियरिंग में बिल्डोजर ऑपरेटर्स खलील ने बीवी के नाम पर 2,80,00,000 की 14 एकड़ जमीन खरीदी। मुल्तान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोभा स्लॉटर हाउस में करप्शन का मामला। फी जानवर 40 के बजाय 100 रुपए पर चीफीस मुकर्रर कर दी गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने स्लॉटर हाउस और कॉरपोरेशन के अमले को रिकॉर्ड समेत 8 अप्रैल को तलब कर दिया। मुल्तान की आम को मजीद बेहतर बनाएं और गैर मुल्कियों को खिलाएं। मैंगो डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग। आलमी मंडी में आम को हॉट वाटर ट्रीटमेंट के साथ भेजने का फैसला। आम की बेहतर पैदावार के लिए बागबानों की तरबियत का भी फैसला। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली शुएब जदून की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। सीओ हेल्थ डॉक्टर सईद अहमद शेख, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मोहम्मद जिशान अली समय दीगर की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर को ड्रग इंस्पेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गयी। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ अकरम खान चांडिया की जर सदारत इजलास। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी जोहेब हमीद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। एशियन डेवलपमेंट बैंक के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। 6 मनसूबों में सरे फहरिस्त साफ पानी और शहर की सफाई का मनसूबा शामिल। मियांवाली में सेक्रेटरी पंजाब फॉरेस्ट्री वर्ल्ड लाइफ फिशरीज मोहम्मद आसिफ का चश्मा हैचरी का दौरा। फिश बायोडाइवर्सिटी चश्मे का इफ्तिताह किया। 30,000 मछलियां चश्मे में छोड़ी। जड़ी बूटियों से मछलियों की खुराक बारे सेक्रेटरी को ब्रीफिंग फराहम। बहावल नगर में मेंबर पीएनडी डॉक्टर सुहेल सिकलैन की जर सदारत डीसी ऑफिस में इजलास। डॉक्टर सुहेल सिकलैन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का कयाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डॉक्टर सुहेल सिकलैन ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा मेडिकल कॉलेज की जेर तामीर बिल्डिंग, नर्सिंग स्कूल और इमरजेंसी का दौरा किया। मेपको मुलाजमीन वक्त पर दफ्तर पहुंचे। 9 बजे सुबह से देर हुई तो महकमाना कार्रवाई होगी। मेपको चीफ ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन को सुबह वक्त पर दफ्तर पहुंचने और कुरान पाक की तलावत से दिन का आगाज करने का हुक्म दे दिया।
ملتان میں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ سلیمان کی الیکشن جیتنے والوں کو مبارکباد پھولوں کے ہار پہنائے اور مٹھائی کھلائی ایف آئی اے ملتان نے حد پر بھجوانے کا جھانسہ دے کر 8 لاکھ ہتھیانے والا ملزم عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے ایف آئی اے کو ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ملزم نے دولت گیٹ کے رہائشی سے فراڈ کیا تھا کرو گے لڑو گے مرو گے اور جدوجہد کرو گے ایمان سے کرو گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی ڈسٹرکٹ بار ہال میں پیپلز لائرز فورم کے ذریعے اہتمام تقریب سابق وائس چانسلر چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل مرزا عزیز اکبر بیگ سمیت دیگر وکلا نے شرکت کی دوسری جانب پاکستان پیپلز لیبر بیورو کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی پر شمیں روشن کی گئیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا بہار کے فرنٹیئر فورس کے سپوت لانس نائک ظفر اقبال کی 11ویں برسی ظفر اقبال نے جنوبی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کیا ظفر کی شہادت پر اہل خانہ کو فخر بہاولپور کے سکولوں میں بچوں کو داخل کرانے کے حوالے سے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کا سیمینار صوبہ وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری چیئرمین این سی ایچ ڈی ڈاکٹر میر اللہ مروت سمیت دیگر کی شرکت بہاولپور چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام تربیتی سیشن لاہور اور ملتان سمیڈا آفس کے ملازمین نے حصہ لیا چیمبر آف کامرس کے جنرل سیکرٹری سید عبیر عزقی روہی سے گفتگو کہتے ہیں سمیڈا چھوٹی انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں انٹرنیشنل کانفرنس کا دوسرا روز ملک بھر کی یونیورسٹیز سے ڈاکٹرز نے شرکت کی ماحولیاتی تبدیلی کے تحت پائیدار زرعی خوراک کی حفاظت کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا گیا کھیل کے میدان سے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ورلڈ کپ کا میلہ سجنے کو تیار پاکستانی کمپنی گو لوٹ لو نے پہلی آفیشل سپانسر کمپنی کا اعزاز حاصل کر لیا گو لوٹ لو آئی سی سی کے ساتھ مل کر ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان لا رہی ہے رحیم یار خان کے فنکار انصر جاذب کے انوکھے فن پارے کینوس پر رنگ تو بکھیرتے ہیں مگر برش اور پینٹ سے نہیں بلکہ سوئی دھاگے سے انصر کے فن پارے خوبصورتی اور مہارت میں اپنی مثال آپ ملتان میں جشن بہارہ کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پہلی میوزیکل نائٹ گلوکارہ شمیم انصاری سمیت دیگر فنکاروں نے سما باندھ دیا دوسری جانب رحیم یار خان میں خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایک روزہ رنگا رنگ سپرنگ فیسٹیول توجہ کا مرکز بن گیا وی سی اور مہمانوں نے کافی اور دیگر سٹالز دیکھے کھانے پینے کے سٹالز پر رش لگا رہا Transmission is brought to you.